नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया खास खबर का। खबर राजधानी लखनऊ के कानपुर रोड सेक्टर एम स्थित चिरंजीव भारती स्कूल से है, जहां प्रभात फेरी के साथ 78वां स्वतंत्रता दिवस बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर स्कूली छात्र छात्राओं ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर लोगों का मन मोह लिया। आइए दिखाते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। चिरंजीव भारती स्कूल में स्वतंत्रता दिवस के जश्न की शुरुआत प्रभात फेरी के साथ की गई। कानपुर रोड स्थित सेक्टर एम में स्कूली बच्चे हाथों में तिरंगा लेकर प्रभात फेरी के बाद जब स्कूल पहुंचे, तब शुरू हुआ स्वतंत्रता दिवस का जश्न। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में ब्रिगेडियर ए.के. सिंह ने शिरकत की। मौके पर स्कूल के प्रबंध निदेशक कर्नल राजा ने ब्रिगेडियर ए.के. सिंह के संग दीप प्रज्वलन के बाद ध्वजारोहण कर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आगाज किया। स्कूल के छात्र छात्राओं ने जहां देशभक्ति पर आधारित मनमोहक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, वहीं क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बलिदान का नाट्य रूपांतरण कर बच्चों ने लोगों को रोमांचित कर दिया। इसी के साथ वर्तमान परिवेश में खान पान और दूषित वातावरण को भी लेकर स्कूली छात्र छात्राओं ने नाट्य रूपांतरण के माध्यम से संदेश दिया। बच्चों ने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से मोबाइल के दुष्प्रभाव और जंक खाद्य फूड खाने से बचने का संदेश दिया। स्वतंत्रता दिवस के इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अभिभावकों ने भाग लिया। वहीं मौके पर उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। वहीं बच्चों के उमंग भरे कार्यक्रमों को देख अभिभावक गण भी उत्साहित दिखे। कार्यक्रम के अंत में चिरंजीव भारती स्कूल के प्रबंध निदेशक कर्नल राजा ने मंच से मोबाइल के दुष्प्रभाव को लेकर अभिभावकों को सचेत किया और कहा कि हम तो आपके हीरे को तराशते हैं, उनको संभालने का कार्य आपका है। उन्होंने स्कूली बच्चों से कहा कि वे अपने लक्ष्य को निर्धारित कर मन लगाकर पढ़ें, सफलता कदम चूमेगी। कर्नल राजा ने कहा कि चिरंजीव भारती स्कूल के बढ़ते कदम के क्रम में इस बार स्कूल का परिणाम जहां शत प्रतिशत रहा, वहीं स्कूल के दो बच्चों का चयन एयरफोर्स में होने के बाद स्कूल का गौरव बढ़ा है। कार्यक्रम में स्कूल के प्रिंसिपल संजय कुमार सिंह सहित स्कूल का समस्त स्टाफ मौजूद रहा। कार्यक्रम के अंत में स्कूल की ओर से समस्त बच्चों एवं अभिभावकों को मिष्ठान वितरण कर कार्यक्रम का समापन किया गया। मैं कर्नल राजा, चिरंजीव भारती स्कूल, आज पूरा देश 78th स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। देश ही नहीं, पूरा संसार आज जश्न में डूबा हुआ है और स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इसी क्रम में हमारे बच्चों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा सांग, डांस, स्किट से उन सपूतों को, उन सत्याग्राम सेनानियों को याद किया गया, नमन किया गया। इसी उसके साथ में मैं कहना चाहूँगा कि हमारा स्कूल भारतीय सेना को, नेवी को, एयरफोर्स को अपना योगदान देता रहे। जैसा कि पिछले विगत वर्ष में दो बच्चे इंडिया में सेलेक्ट हुए और आज एयरफोर्स में पायलट पद की ट्रेनिंग कर रहे हैं। हमारा ये कर्तव्य और बच्चों में ये समर्पण की भावना जागृत करता रहूँगा, जिससे हमारे
स्कूल से सेना में बच्चे जाए और हमारे स्कूल का नाम रोशन करें। इसी के साथ में मैं बच्चों को एक संस्कार के साथ में सभी भाषाओं का, हिंदी, इंग्लिश और विभिन्न सब्जेक्टों में निपुणता हासिल करने के लिए टीचरों का समर्पण और मैनेजमेंट का एक अच्छी प्रेरणा स्रोत देता हूं, जिससे हमारे बच्चों ने क्लास टेंथ में इतना अच्छा रिजल्ट इस एरिया में दिया शायद ही आसपास के किसी भी स्कूल का नहीं है। और मैं ये वादा करता हूं कि हमारा स्कूल निरंतर प्रगति पर आगे बढ़ता रहेगा और हमारे बच्चे एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करेंगे कि जो हमारे देश और प्रदेश दोनों के लिए एक मार्ग का चिन्ह बनेगा। जय हिंद, जय भारत। आज जहां पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा है, वहीं राजधानी लखनऊ के चिरंजीव भारती स्कूल में आज़ादी का 78वां वर्षगांठ बड़े धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए हैं, देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम बच्चों ने किए हैं, जिसको देखकर अभिभावकगण, दर्शक भाव विभोर उठे हुए। इसी क्रम में यहाँ पर कुछ छात्राएँ स्कूल के, इनसे हम बात करना चाहेंगे कि आज आज़ादी का जश्न किस तरह आप लोगों ने मनाया। बहुत अच्छे से मनाया, आज हमारा देश आज़ाद हुआ था, इसकी बहुत खुशी है हमें कि हमारा स्कूल इतना अच्छा है जो इस देश इस दिन को मनाता है। आज हमें बहुत अच्छा लगा। क्या खास बात दिखता है इस स्कूल में? इस स्कूल में ये है कि कोई भी दिन है, कोई भी दिवस है, तो उसे बहुत अच्छे से मनाया जाता है और बच्चों को अच्छी अच्छी चीज़ें, नई नई चीज़ें सिखाई जाती हैं। किस क्लास में आप पढ़ते हो? एट्थ में। आपका क्या नाम है? सानवी। किस क्लास में? एट्थ। आज के दिन क्या कहना चाहेंगे? आज के दिन हमारे भारत आज़ाद हुआ था और आज के दिन हमारे स्कूल ने बहुत सी चीज़ें आयोजित किए थे, डांस परफॉर्मेंस, म्यूजिक, सब कुछ हुआ था। स्कूल को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है और हर चीज़ में, जैसे कोई भी रिलीजन हो तो उसकी रिस्पेक्ट भी बहुत अच्छे से। एजुकेशन यहाँ की कैसी है, आप सेटिस्फाई हैं? हाँ बिल्कुल, एकदम सेटिस्फाई। डॉक्टर बनना चाहती हूँ। आपका क्या एम है? आई विल गो इन आर्मी। क्या? आर्मी में आप जानना चाहते हैं। निश्चित रूप से इस स्कूल में जिस तरह देशभक्ति के प्रति बच्चों में एक संस्कार भरा जा रहा है, निश्चित रूप से ये बच्चे देश की सेवा करने के लिए लालायित हैं। इसी क्रम में आपको बता दें कि वायुसेना में यहाँ के दो बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जिससे स्कूल का गौरव राजधानी लखनऊ पूरे प्रदेश में बढ़ा है। चिरंजीव भारती स्कूल में बड़े धूमधाम के साथ आज स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि इस अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियों के बाद बच्चों को का मुंह मीठा कराया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ लड्डू का वितरण किया जा रहा है, पेरेंट्स भी हैं, बच्चे भी हैं, स्कूल किसी को बिना मुँह मीठा कराए यहाँ से नहीं जाने देना चाहती है। आप तस्वीरों में देखिए, अभी हम कुछ बच्चों से यहाँ पर हम बात करेंगे कि आज 15 अगस्त रहा कैसा? रहा 15 अगस्त कैसा रहा? 15 अगस्त बेटा बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा रहा। क्या कहना चाहोगे? लड्डू क्या कहोगे? बहुत अच्छी स्कूल है ये, आप लोग एडमिशन करवाएं इसके अंदर, इसमें शिक्षा भी बहुत अच्छी होती है। शिक्षा बहुत अच्छी होती है। सर क्या कहना चाहेंगे स्कूल को? जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। आप देख सकते हैं कि बच्चों में गजब का उत्साह है, बहुत देर से प्रोग्राम चल रहा है, गर्मी बहुत है, ये लोग जल्दी जल्दी यहाँ लड्डू लेकर अपने घर को जाना चाहते हैं। निश्चित रूप से आज के दिन जहां पेरेंट्स में जोश है, वहीं बच्चे भी बहुत चहक रहे हैं आज के दिन। और आज जिस तरह से समय यहां गेट पर लड्डू का वितरण हो रहा है, उसको पाने के लिए कतार में बच्चे खड़े हुए हैं। इसी समय कुछ पेरेंट्स हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। मैम क्या कहना चाहती हैं? आज 15 अगस्त है, क्या कहना चाहती हैं? आज बढ़िया खुशी का दिन है सर, और बच्चों को अच्छा है, प्रोग्राम किए बच्चे, और बच्चों के लिए एक मैसेज मिला, आज़ादी का दिन है सर। स्कूल को लेकर क्या कहना चाहते हैं? क्या यहाँ की शिक्षा क्या है, यहाँ के कैंपस कैसे हैं, यहाँ का वातावरण कैसा है? बहुत अच्छा है सर, पढ़ाई अच्छी होती है, माहौल अच्छा है, टीचर अच्छे हैं, अच्छे से मेहनत कर रहे हैं बच्चों पे, और बच्चे भी अच्छा कर रहे हैं सर।
बहुत अच्छा स्कूल है, इसमें बच्चों को जो है इतना ध्यान रखा जाता है, सबसे बड़ा कर्नल सर का वो। ये आपकी बिटिया है? जी मेरी। क्या नाम है आपका? माय नेम इज खुशबू गुप्ता। किस क्लास में? सेवेंथ बी। सेवेंथ में, क्या कहना चाहोगी? ये स्कूल बहुत अच्छा है, नई थी स्कूल में पढ़ाने की, कर्नल सर ने हमारी बहुत हेल्प किया, बहुत हेल्प किया। निश्चित रूप से इस स्कूल के बारे में कहा जाता है कि यहाँ का मैनेजमेंट ऐसा है कि शिक्षा के प्रति समर्पित है और इसके बढ़ते कदम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, इनके बच्चे यहाँ स्कूल में आएँ, शिक्षा ग्रहण करें और तमाम ऐसी सुविधाएं भी यहाँ दी जाती हैं जिनके जो लोग गरीब हैं, लाचार हैं, बच्चों को उचित शिक्षा देना चाहते हैं, बढ़िया गुणवत्ता वाली शिक्षा देना चाहते हैं, नहीं दे सकते हैं गरीबी के कारण, वहाँ उनके लिए भी यहाँ पर व्यवस्था की जाती है, मदद की जाती है, मदद के हाथ आगे बढ़ाए जाते हैं। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।